इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। महादेव ऐप मामले में मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। दुबई में सौरभ चंद्राकर को हिरासत में ले लिया गया, बड़ी खबर है ये। सौरभ चंद्राकर को नजरबंद किया गया है, सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और जल्द ही सौरभ के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दुबई पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को नजरबंद कर दिया है और दुबई में एक घर में नजरबंद है सौरभ चंद्राकर। महादेव वेब का मुख्य आरोपी सौरभ के खिलाफ इंटरपोल ने एजेंसी की गुजारिश पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और अब बड़ी खबर आ रही है कि इसे नजरबंद किया गया। वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिया जाना, अब आगे क्या प्रक्रिया चलेगी? देखिए बिल्कुल, अब जो प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। जो सूत्र का कहना है कि एजेंसी जल्द से जल्द कोशिश करेगी सौरभ चंद्राकर को हिंदुस्तान जाने की, हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। आप देखिए, सौरभ चंद्राकर मुख्य आरोपी है इस महादेव ऐप के पूरे मामले में। पिछले हफ्ते ही जो दूसरा आरोपी है रवि उप्पल, जो कि इस ऐप का प्रमोटर बताया जाता है, उसको भी जो एजेंसीज है उन्होंने दुबई के अंदर हिरासत में लिया था। तो कहीं ना कहीं अब जो कड़ियां हैं वो आपस में जुड़ रही हैं और जब ये मुख्य आरोपी हिंदुस्तान प्रत्यर्पण करके लाए जाएंगे तब इस पूरे घोटाले के ऊपर से पर्दा हट सकेगा और इसके साथ कड़ियां जुड़कर और कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी मामले की जांच कर रही थी। अब देखना ये होगा कि कब, कितना समय लगेगा इस प्रक्रिया को पूरा करने में कि इन्हें हिंदुस्तान लाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वरुण आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।